खरगोन नगर में सिवरेज लाइन और जल आवर्धन योजना के चलते हो रही खुदाई के चलते शहर के रहवासी और व्यापारियों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। जैसे जैसे खुदाई का कार्य किया जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। उसी के चलते खुदाई कार्य शहर के व्यस्ततम मेन मार्केट में होने से व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों का कहना है कि खुदाई का कार्य त्योहारों के समय में होने से व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है। एक महीने से दुकानें नहीं खुल पा रही है, ना यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नगर पालिका की ओर से की जा रही है, ना प्रशासन की ओर से, जिससे पूरे मार्केट में कीचड़ गड्ढे हो रहे हैं, ना ही ग्राहक दुकानों पर आ रहे हैं, जिससे व्यापार की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है और रहवासी क्षेत्र होने से यहाँ आने जाने और रोज़मर्रा के कार्यों से भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ गंदगी से मच्छर और बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है। वहीं CMO नगर पालिका का कहना है कि हमने खुदाई कार्य को समय सीमा में पूरे तय करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लगातार वर्षा के चलते कार्य करने में दिक्कत आ रही है और दबाई और मुरिम डालने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। जल्द ही व्यापारियों और रहवासियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। के नीचे से पूरा का पूरा काम, पूरा बाजार बंद पड़ा, धंधा कुछ नहीं हो रहा, सब लोग परेशान है। पूरा बाजार सराफे से लेकर गोल्ड बिल्डिंग चौराहे के ऊपर तक, कब से ये स्थिति बनी हुई है? पिछले एक महीने से परेशानी आ रही है पूरे बाजार। अगर इसका काम ढंग से नहीं हुआ तो पूरा सराफा बाजार प्लस गोल्ड बिल्डिंग कुछ भी एक्शन ले सकता। अगर प्रशासन ने ढंग से साथ दिया, काम किया तो ठीक है, वरना फिर हम हमारे स्तर से आगे बढ़ेंगे। क्या नाम आपका? दिनेश महाजन, कंगन। ये क्या तकलीफ हो रही सराफे में, ये काम चल रहा है इसको लेकर? ये एक हफ्ते से काम चल रहा है और मैं मेरी सारी धार्मिक क्रियाएं छोड़ के, मेरी दुकान मंगल करके आज रोड पे खड़ा हूँ और बड़े अधिकारी जो हैं वो अपनी जवाबदारियां नहीं निभा रहे हैं। चार दिन से नाले के अंदर है कि यही JCB पड़ी है और मेरे को CMO साहब और वगैरह वहाँ पे नगर पालिका में जाके झगड़े करके आना पड़ा है और व्यापारी की कोई समस्या नहीं सुनी जा रही है और कोई देखने वाला है नहीं। क्या दिक्कतें क्या आ रही है अभी? भाई आने जाने में व्यापार कैसा करे, दुकानें मंगल है। क्या शुभ नाम आपका? विनोद सरा। ये सराफे में सीवेज लाइन की खुदाई का काम चल रहा है, किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? गटर है पूरी, बाद में इनने खोली नहीं है, 12 दिन हो गए इनने गटर है वापस अभी खोल के गए नहीं है। दो आदमी आते हैं वो पावड़ा चलाते हैं, 10 मिनट चलाते हैं फिर बैठ जाते हैं आधे घंटे। सबको लालच देना पड़ती है कि 20 रुपये ले लेना, 50 रुपये ले लेना, फिर काम होता है, फिर वो दूसरा कोई पकड़ के ले जाएगी यार मेरे यहाँ कर दे, मैं 100 दे दूँगा, तो फिर वो उधर चले यार। ये खुदाई में क्या दिक्कत आ रही है? खुदाई में तो ये जैसे कि इनको नाली का जो पानी इनमें भरा जाता गड्ढे में, तो इनके पास पंप छोटा है, पानी की आवक ज़्यादा है, तो इंजन क्यों नहीं लगा रहा? दो दो इंजन लगा के इनने 4 दिन तक वहीं का वहीं लटका रखा। बड़ा नाला वो तो फूटा का अभी, तो उससे तो अपनों को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, बाकी अब हमारे लिमिट से बाहर हो गई, या तो इसको ये अभी आज ही करवाइए नहीं तो हम तो ऊपर तक जाएंगे। आपने बताया आपने CM हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी है? CM हेल्पलाइन पे मैंने भी की है। क्या शिकायत क्या करी है? ये एक तो ये गटरें खाली करवाई क्योंकि सुबह से बदबू चालू हो जाती पेक थी तो मकान नहीं है और हम तो रहवासू है, बच्चों को मामा घर भेजना पड़ा कि यार छोटा बच्चा है उसको घर भेजा कि तू मामा घर रहिया। सर सराफे में जो सीवेज लाइन का काम चल रहा है उससे व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है, नाले में से पानी प्रॉपर निकल नहीं पा रहा है, दवाई नहीं हुई है, उसके कारण व्यापार भी प्रभावित हो, व्यापारी भी परेशान है और बदबू इस बुरी कदर से आ रही है कि वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। देखिए सराफे में जो है हमारी सीवर की और जल आवर्धन योजना दोनों की पाइपलाइन की दवाई खुदाई करके डालने का काम चल रहा है और हमने उसको समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अभी लगातार वर्षा हो रही है, अभी कुछ समय पूर्व ही जो है वर्षा खुली है, इस कारण हमारे कार्य की प्रगति थोड़ी सी प्रभावित हुई है। और जो आप जहां ओवरबर्डन मटेरियल की दवाई का बोल रहे हैं, आज ही हमने उसके निर्देश जारी कर दिए हैं, उसकी आज शाम तक जो है सारी दवाई हो जाएगी और पानी नाले का जो पानी रोका गया था उसको भी निकालने के लिए हमने उनको निर्देश दिए कि बड़ी मोटर डाल के तत्काल पानी का निकासी जो है उसकी व्यवस्था करें। व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी हम नहीं होने देंगे, हमारा आश्वासन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
मध्य प्रदेश के खरगोन